वॉकेब फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन युवाम की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा शब्द है रिनाउंड। आइए पहले स्पेलिंग देखते हैं, आर ई एन ओ डब्ल्यू एन ई डी, रिनाउंड। ध्यान दीजिए ये एक एडजेक्टिव है और जब व्यक्तियों या प्लेसेस के लिए इसका यूज करते हैं तो इसका मीनिंग है वेल नोन एंड एडमायर्ड बाई मैनी पीपल फॉर सम स्पेशल क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड। कि जब किसी व्यक्ति या प्लेस के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो हम कहते हैं कि वह वेल नोन है, यानी सबके द्वारा जाना जाता है, प्रसिद्ध है, साथ में बहुत से लोगों द्वारा उसकी कुछ विशेष क्वालिटी और उसके जो हाई स्टैंडर्ड है उसके लिए उन बहुत से लोगों द्वारा उसकी तारीफ की जाती है। यानी हिंदी में हम मीनिंग कह सकते हैं जो सुप्रसिद्ध है, जो प्रतिष्ठित है, जो फेमस है। आइए इस पर बहुत से सेंटेंस में आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि अभी हाल ही में यह प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, द न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट इज रिनाउंड फॉर इट्स स्पेशल क्विजिन्स। कि अभी हाल ही में नया खुला हुआ रेस्टोरेंट अपने स्पेशल क्विजिन्स के लिए बहुत ही फेमस है, यानी वह उसके लिए रिनाउंड है, सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कश्मीर इज रिनाउंड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी। और आप सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर उसी को लेकर सेंटेंस है। आइए अगला सेंटेंस आपके सामने, प्रेमचंद मुंशी वॉज अ रिनाउंड ऑथर। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद मुंशी जी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो वो एक रिनाउंड ऑथर थे। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन इज ए वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर। आप सभी लोग अमिताभ बच्चन साहब को जानते हैं, वे एक दुनिया भर में जाने माने रिनाउंड एक्टर हैं, यानी प्रसिद्ध एक एक्टर हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं। साथ ही एक सेंटेंस और है, सेंटेंस है, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज रिनाउंड एज ए ब्रिलियंट स्पीकर। सो वाजपेयी साहब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्पीकर थे, तो उन्हें एक ब्रिलियंट स्पीकर के रूप में वो रिनाउंड थे, यानी प्रसिद्ध थे। आइए रिनाउंड के सिनोनिम देखते हैं और इसके सिनोनिम्स में इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, सेलिब्रेटेड, इलस्ट्रियस, फेमस, नॉटेड एंड फेम्ड। और एंटोनिम्स में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, अनोनिमस, अननोन, अनसंग, अनफेमस, ऑब्स्क्योर। और ध्यान दीजिए वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर रिनाउन बेसिकली एक नाउन के रूप में यूज किया जाता है और रिनाउन एक वर्ब भी है और यह है आर ई डब्ल्यू ओ एन, रिनाउन। रिनाउन का मतलब है ग्रेट फेम एंड रिस्पेक्ट और यह वर्ड फॉर्मेशन में रिनाउंड का एक नाउन के रूप में एक अच्छा शब्द है। सो रिनाउंड शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़िए, याद कीजिए, डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए और इसके और जो अन्य से रिलेटेड शब्द हैं उनको भी याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।